नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें, सामने देख सकते हैं दृश्य, आपको बता दें दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो निर्दलीय उम्मीदवार चिंटू सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर घायल किया था, उस मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। SSP बाबूराम ने क्या कहा है वो हम आपको आगे सुनाने वाले हैं, लेकिन इस मामले में जो सूत्र बता रहे हैं, भोला यादव ने अपना बयान दिया है कि कहीं न कहीं भोला यादव के समर्थकों का नाम इसमें आ रहा है। भोला यादव जो है, ये सूत्र बता रहे हैं कि भोला यादव ने इस पर बयान दिया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखिए भोला यादव ने क्या कहा है विशेष कवरेज में। कहीं ना कहीं चिंटू सिंह जो प्रत्याशी थे उनको गोली लगी और वो घायल है इस वक्त, और कहीं ना कहीं सामने आपकी आपका नाम जो है बताया गया है, चाहे सामने ये बात आ रही है अभी, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या 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 मामला क्या है? मुझे सुबह में पता चला, जो हम लोगों के बहुत ही करीबी पहले से हम लोगों से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं, चिंटू सिंह जी को गोली मार दिया है। मैं हतप्रभ रह गया और हमने अपने मीडिया साथियों को बयान जारी किया, जो दरभंगा के सीनियर SP से अनुरोध है इस पूरे मामले का विशेष जांच करवाया जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी ये पता चले जो किसने उनके हत्या का कोशिश किया है, और चिंटू सिंह जी को अविलंब समुचित सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए जिससे कि वे अपने मतदाता लोगों से रूबरू हो सकें। क्योंकि जिस तरह का हमला हुआ है इससे साफ परिलक्षित होता है जो किसी न किसी दुश्मनी से उनके ऊपर हमला हुआ है, और इसका यदि सही तरीके से जांच होगा तो मैं समझता हूं जो दोषी व्यक्ति निश्चित तौर से पकड़ाएगा। यदि किन्हीं को किसी के ऊपर में संदेह है तो इसका जब तक जांच नहीं होगा तब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा। हम लोग निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि चिंटू सिंह को न्याय मिले। सर, कहीं ना कहीं आपका जो संदेह है कि आपका नाम दिया गया है, कि ये पता कहाँ से चला सर आपके, आपका नाम दिया गया? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं से पता चला है जो उनके द्वारा किसी प्रत्याशी के ऊपर में उंगली उठाया जा रहा है, जो उनके समर्थक धमकी दिए थे। मैं नहीं जानता कौन प्रत्याशी किसके समर्थक धमकी दिए, लेकिन इतना मैं कहूँगा यदि इस तरह का कोई धमकी देने वाला व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम उजागर होना चाहिए और उसकी पूछताछ होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उसकी मोबाइल का ट्रेस होना चाहिए और ये क्लियर होना चाहिए जो व्यक्ति है कौन। सूत्र बता रहे हैं आपका नाम, आपके समर्थकों का नाम आ रहा है सर, तो क्या इसमें? मैं वही बताना चाहता हूँ आपको, मैं आपके माध्यम से हायाघाट के और दरभंगा के महान जनता को बताना चाहता हूँ कि यदि किसी समर्थक या किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो उसका नाम उजागर होना चाहिए, और हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक जी से अनुरोध करेंगे जो उसका पूरा तहकीकात करें, जो रियल में जिसका नाम आ रहा है उसकी संलिप्तता कहाँ तक है, और यदि संलिप्तता है तो उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी।